हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शॉपी के एंटी फिल्टर्स की, जो कि अफोर्डेबल अमेजोन में आपको मिल जाएगा मात्र 350 रुपये में। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, लाइक ND2, ND4, ND8, ND16, ND1000 तक भी जाते हैं। तो मेरे पास ये शॉपी का है जो कि ऐसा पाउच में आता है। चार हैं इसमें मेरे को मिले हैं, आपको दिखाता हूँ। ये है ND2, आपको दिख रहा होगा पता नहीं, ये देखिए ये ND2 है। और ऐसे मुझे चार मिले हैं, ये ND16 है, ये ND8 और ND4। आपको कौन से साइज का लेना है ये आपको पता करने के लिए बहुत सिंपल है। आपके लेंस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए फाई का साइन बना हुआ है और ये 58 mm लिखा हुआ है। तो इसी साइज का आपको एंटी फिल्टर लेना है और ये बहुत ही इजीली फिट हो जाता है। मैं ND16 लगा रहा हूँ, ये ऐसे लगेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सर्कल दिए हुए हैं, इस पर राउंड राउंड, दैट्स इट। ये पूरी तरह फिट हो गया और ये सनग्लास हो गया आपके लेंस का, जो कि आपको लेंस को प्रोटेक्ट भी करेगा। प्लस एंटी फिल्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारा फ्रेम रेट फिक्स रहता है 25, 30, 60 वाटेवर, और उसके हिसाब से हम 180 डिग्री का जो रूल होता है उसके हिसाब से हम जो शटर स्पीड है वो उसका डबल रखते हैं, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है कि हमको जब डे लाइट में अगर शूट करना है तो डे लाइट में शूट करते समय हमको ISO मिनिमम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ISO बढ़ा देंगे तो और ब्राइट हो जाएगा, और ऑलरेडी बाहर इतना ब्राइट रहता है। तो हम ISO 100 रखते हैं मिनिमम, जो कि बेस्ट सेटिंग होता है। अब इतने के बाद भी क्या होता है कि बाहर इतना ज़्यादा लाइट होता है कि पूरी तरीके से वाइट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ये देखिए। एज यू कैन सी, एंटी फिल्टर के बिना एक्सपोजर कितना ज़्यादा हो जा रहा है, और जैसे एंटी फिल्टर में लेंस के सामने सिर्फ रख रहा हूँ तो वो एक्सपोजर बैलेंस कर दे रहा है। इसीलिए एंटी फिल्टर मस्ट हैव एसेसरीज होता है किसी भी DSLR के साथ। यहाँ पे मैं अलग अलग एंटी फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये ND8 है जो दोपहर के 12 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, दिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और ND16 है जो मुझे परफेक्ट लग रहा है ज़्यादा ब्राइट डे के हिसाब से। तो मोस्टली मैं ND16 ही यूज़ करूँगा शॉपी का, और ND8 शायद 3-4 बजे जब थोड़ा बहुत ब्राइट रहता है तब। तो जैसा कि आपने देखा, पर्टिकुलर ND16, ND8, ND4 और ND2 ये अलग अलग क्वांटिटी में लाइट को कंट्रोल करता है, ताकि आप अपने मिनिमम बेस्ट सेटिंग में भी डे लाइट में भी अच्छे से शूट कर सकें। तो मेरे हिसाब से 350 में फुल पैसा वसूल है, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप न्यू कमर है और आपके पास उतना बजट नहीं है, ऑलरेडी आपने DSLR में 50-60 हज़ार खर्च कर चुका है, तो आप नहीं चाहते हैं कि ऑलरेडी आप 2000-3000 रुपए का आप अलग से एंटी फिल्टर लें, माइक लें, ट्राईपॉड स्टैंड लें, तो आपका 1 लाख का बजट हो जाता है, जो कि सबके पास नहीं होता। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप शॉपी का ये आँख बंद करके ले सकते हैं। एब्सोल्युटली परफेक्ट है। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, मैंने बाहर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं दिख रही थी, पूरी तरीके से वाइट थी, लेकिन जैसे मैंने एंटी फिल्टर लगाया वो एब्सोल्युटली मतलब क्रिस्प और क्लैरिटी के साथ मेरे को फोकस हो गया। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा, जब मैं बादल की ओर शूट कर रहा था तो बादल पूरा सफेद दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने एंटी फिल्टर लगाया, और एंटी फिल्टर भी ऐसा है कि अगर आपको ज्यादा प्लर है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंटी फिल्टर लगाना है, ND2, ND8 या 16। आमतौर पे जब बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है तो मैं ND16 ही प्रीफर करता हूँ, जो कि शॉपी का बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से 350 रुपये में बेस्ट वैल्यू पर बनी है। और मैंने बादल पे भी फोकस किया। जब मैं पहले, इससे पहले मैं जब कैमरा लाया, मेरे पास कैनन का 200D Mark II है, तो जब मैं शूट करता था तो टाइम लैप्स वगैरह, तो मैं जब क्लाउड लेता था तो पूरा वाइट दिखता था, बिल्कुल भी उसमें ब्लू स्काई और वाइट क्लाउड्स रहते हैं, वो बिल्कुल भी मतलब क्लैरिटी से नहीं दिख रहा। तो आपने जैसे ही देखा कि मैंने एंटी फिल्टर लगाया, क्लाउड के क्लैरिटी कितना बढ़ गया, बादल भी दिखने लगा और स्काई भी दिखने लगा। तो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, मेरी तरफ से ओके है। और हाँ, और एक चीज़, अगर आपको कोई भी दूसरे प्रोडक्ट रिलेटेड, जैसे कि बजट में आपको DSLR, बजट में आपको वैसे बेस्ट DSLR तो मेरे हिसाब से Mark II है, अभी आँख बंद के लिए लीजिए। और अगर आपको ट्राइपॉड के बारे में जानना है और भी किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको एंटी फिल्टर से रिलेटेड कोई चीज़ और जाननी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरे बाकी वीडियोस, जैसे कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, तो आप मेरे बाकी वीडियोस मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।